आज डिस्कस करेंगे सुपर चार्जर के बारे में। सुपर चार्जर होते क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं। जो सुपर चार्जर है वो क्या होता है? सुपर चार्जर एक तरह का एयर कंप्रेसर की तरह काम करता है, जो कि इंक्रीज करता है प्रेशर एयर के या फिर किसी भी फ्लूड के और फ्लो रेट को बढ़ाता है एयर के। जब वो प्रेशर इंक्रीज के साथ और एयर फ्लो के साथ जाता है इंजन के इनलेट पे, तो वो इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल को एफिशिएंटली बर्न करता है ताकि जो पावर है इंजन की वो इंक्रीज हो सके। अगर एयर फ्लो बढ़ेगा तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी इंजन सिलेंडर में फ्यूल को बर्न होने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा, उससे क्या होगा, इंजन की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। जो सुपर चार्जर होता है वो क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन से पावर लेता है इस सारे प्रोसेस को करने के लिए। तो वो बेल्ट ड्राइव से भी कनेक्ट हो सकता है क्रैंक शाफ्ट से, या फिर गियर ड्राइव से भी हम उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सुपर चार्जर हमारा क्रैंक शाफ्ट की रोटेशन की पावर लेता है, तो उसमें कुछ पावर कंज्यूम होती है सुपर चार्जर के लिए। देखते हैं इसके कौन कौन से टाइप हैं जो सुपर चार्ज के काम आते हैं एयर को। तो सबसे पहले है रूट्स टाइप सुपर चार्जर। रूट टाइप सुपर चार्जर क्या करेगा, ये जो लो प्रेशर एयर आएगी उसको हाई प्रेशर एयर में कन्वर्ट करके और एयर फ्लो को बढ़ा के आगे देगा इंजन के इनलेट को। तो देखते हैं इसका जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ये हैं लोब्स या फिर रूट्स, आप इनको बोल सकते हैं। ये इस तरह से आपस के अंदर अच्छी तरह से मैशिंग कंडीशन में होते हैं, अच्छी तरह से आपस में जुड़े होते हैं, एक केसिंग के अंदर होते हैं जिसके अंदर इसको वर्क करना होता है। इसके एक साइड से जो हमारी लो प्रेशर एयर है वो इन होती है और दूसरे साइड से जो हमारी हाई प्रेशर एयर है वो बाहर जाती है। तो देखते हैं इसकी वर्किंग। जब ये रोटेट करना स्टार्ट करेंगे तो जो बहुत ही कम गैप होगा इनके बीच में, केसिंग और इन रूट्स के बीच में, यहाँ पे केसिंग के साथ ये बहुत ही कम गैप होगा इन दोनों के बीच में, यहाँ से एयर आएगी लो प्रेशर के साथ और हाई वेलोसिटी के साथ, तो वो केसिंग के साथ कंप्रेस होके और रूट्स के साथ कंप्रेस होके हाई प्रेशर एयर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी और हमें आगे मिलेगी हाई प्रेशर एयर जो कि कनेक्ट है इंजन के इनलेट से और वहाँ पे ये फ्यूल को बर्न करने में हेल्प करेगी। तो इस तरह से ये रूट टाइप सुपर चार्जर काम करता है। दूसरा है वेन टाइप सुपर चार्जर। जो वेन टाइप सुपर चार्जर है ये भी हमारा लो प्रेशर एयर को हाई प्रेशर एयर में कन्वर्ट करने के काम आता है और दूसरा ये फ्लो रेट को भी बढ़ाता है। तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। यह है केसिंग, जिस केसिंग के अंदर हमारा रोटर और वेन्स होती हैं। ये इनलेट है और ये आउटलेट है। ये है रोटर, इस तरह का रोटर हम इसके अंदर इस केसिंग के अंदर यूज करते हैं। इसके अंदर दो जगह होती हैं आमने सामने जिनके अंदर लगे होते हैं वेन्स, या फिर हम उनको एडजस्टेबल ब्लेड्स भी बोल सकते हैं। इनको एडजस्टेबल ब्लेड्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन से एडजस्ट हो सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू केसिंग, तो इसीलिए इनको एडजस्टेबल ब्लेड बोला जाता है। तो देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। जब ये रोटेट करेगा रोटर और वेन उसके साथ रोटेट करेंगी, तो इनलेट से जो एयर आएगी तो एयर फ्लो करेगी केसिंग के साथ, लेकिन ये कंप्रेस कहाँ पे होगी, जब ये इस वेन के कॉन्टैक्ट में आएगी और केसिंग के बीच में आएगी, तो ये जो ये वेन है ये अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, ये बाहर की तरफ आ जाएगी और केसिंग के साथ एक अच्छा अटैच बना लेगी, बहुत ही कम गैप होगा इन दोनों के बीच में। तो एयर जब इसके अंदर ट्रैप हो जाएगी तो वो कंप्रेस हो जाएगी और जिससे क्या होगा, हमें हाई प्रेशर जो एयर है और ज़्यादा एयर मिलेगी हमें आउटलेट पे। तो इस तरह से ये काम करता है, हम लो प्रेशर एयर देंगे और हाई प्रेशर एयर और ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर हमें बाहर मिलेगी। तो इस तरह से वेन टाइप सुपर चार्जर हमारा काम करेगा। आगे सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर। सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर क्या है, ये रेडियल फ्लो होता है। इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये केसिंग है, जैसे सेंट्रीफ्यूगल पंप की केसिंग होती है उसी तरह की इसकी केसिंग होती है।
बीच में होता है एक इम्पेलर जो कि रोटेट करता है, और इस आई से यहाँ से एयर हमारी एंटर करती है रेडियली इस सुपरचार्जर के अंदर, और इसके चारों तरफ डिफ्यूजर लगा होता है। डिफ्यूजर क्या करता है, ये रोटेट नहीं करता, इम्पेलर हमारा रोटेट करता है, तो डिफ्यूजर क्या करता है, जो यहाँ से एयर आएगी हाई वेलोसिटी के साथ और लो प्रेशर के साथ, यहाँ से इम्पेलर से एयर आएगी, ये डिफ्यूजर उसको कन्वर्ट कर देगा हाई प्रेशर और लो वेलोसिटी के अंदर, जो हमें आउटलेट पे मिलेगी। तो देखते हैं कैसे करेगा काम। जब हमारी एयर इस आई से एंटर करेगी रेडियली इस सुपरचार्जर के अंदर, इम्पेलर हमारा रोटेट करना स्टार्ट करेगा और ये एयर को डिफ्यूजर की तरफ फेंकेगा, और जो डिफ्यूजर है इस एयर के प्रेशर को इंक्रीज कर देगा और हाई प्रेशर एयर हमें बाहर मिलेगी और लो प्रेशर जो एयर है यहाँ से इनलेट हुई थी। तो इस तरह से ये इसके प्रेशर को इंक्रीज कर देता है और एयर फ्लो को इंक्रीज कर देता है। यह है सेंट्रीफ्यूगल टाइप सुपर चार्जर। नेक्स्ट है गियर टाइप सुपर चार्जर। इसके अंदर भी सेम वही प्रोसीजर है, हमें करना क्या है, एयर फ्लो रेट को बढ़ाना है और एयर के प्रेशर को बढ़ाना है। तो केसिंग है और इसके बीच में होते हैं गियर्स। एक तरफ लो प्रेशर फ्लूड के लिए एंट्रेंस होता है और दूसरी तरफ हाई प्रेशर फ्लूड हमें मिलता है। तो ये क्या करता है, जब ये गियर्स आपस के अंदर रोटेट होते हैं तो यहाँ केसिंग में थोड़ी सी जगह होती है गियर और इनके बीच में, जहाँ पे एयर कंप्रेस होती है, तो एयर हमारी यहाँ से एंटर करती है और वो केसिंग और इन गियर्स के बीच में कंप्रेस होती है। कंप्रेस होने के बाद हमें एग्जिट पे मिलती है हाई प्रेशर एयर। तो इस तरह से गियर टाइप सुपरचार्जर काम करता है। तो हम कोई भी मैकेनिज्म बना सकते हैं जहाँ पे हम एयर को कंप्रेस कर सकें या उसका फ्लो रेट को बढ़ा सकें, वो सारे हमारे सुपरचार्जर का काम करते हैं। तो ये थे कुछ टाइप्स सुपरचार्जर के और ये कैसे वर्क कर रहे थे हमने आज डिस्कस किए हैं। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।